स्टूडेंट्स, आज से अपन इंग्लिश का एयरफोर्स नेवी का जो पैटर्न है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग 12th क्लास तक पढ़ते आए हो, फिजिक्स और मैथ्स से तो आप लोग फैमिलियर रहते हो, लेकिन जब जहां बात अपन इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा 11th और 12th के पैटर्न से थोड़ा अलग है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो जो लोग आप किताबी जो ज्ञान पढ़ के आए हो इंग्लिश में 11th और 12th में, उससे थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा चर्चा कर लूं कि जैसे अगर अपन बात करें कि एयरफोर्स और नेवी में किस तरीके का पेपर आता है इंग्लिश का, तो देखिए इंग्लिश में 3 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन से, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैबुलरी से। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ग्रामर से। तो देखिए, जो कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं वो आपसे पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, और वोकैबुलरी से है। वोकैबुलरी काफी टॉपिक्स हैं, जैसे एंटोनियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, फिक्स प्रपोजिशन अपने को याद करनी है। प्रपोजिशन का टॉपिक मैं आपको कराऊंगा भी, लेकिन फिक्स वाली अपने को याद करनी है, ठीक है। जैसे इडियम्स हैं, कुछ प्रोवोक्स होती हैं वो अपने को याद ही करनी है ना, और कुछ स्पेलिंग्स हैं तो अपने को वो याद करनी है, तो वो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, उसमें आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहां बात अपन ग्रामर की करते हैं तो ग्रामर ओवरऑल पूरी आ जाती है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पूरा का पूरा आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल नए तरीके से अपन आज ये पैटर्न शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप एक जैसे हमारे कुछ गांव के बच्चे हैं उनके मन में एक इंग्लिश का हवा होता है, बड़ा एक डर पैदा रहता है कि इंग्लिश को कैसे सीखे, है ना, और एक डर रहता है कि इंग्लिश में बाप रे इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश बड़ी ही इजी लैंग्वेज है। अगर सही माने तो इंग्लिश जो है वो हिंदी से भी इजी लैंग्वेज है, और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन को एक बात ध्यान में रखनी है कि देखिए ये जो 3 पैटर्न थे, एक तो कॉम्प्रीहेंशन, एक अपन ने बात की थी वोकैब की, और एक अपन ने बात की थी ग्रामर की। तो देखिए, इनसे रिलेटेड लगभग 4 क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी एयरफोर्स की अपन बात कर रहे हैं क्योंकि नेवी का पेपर हो चुका है, तो अभी जस्ट एयरफोर्स का पेपर होगा, जो भी डेट आएगी। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा आगे हो गया, और अभी तो मेरा आप सभी से भी यही निवेदन है कि आप कृपया करके घर से बाहर ना घूमें, बेवजह बाहर ना जाएं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल से अपने को 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैब है ना, इससे लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रामर से भी लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन अपने आने हैं, वो चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो इंग्लिश में। अब दिक्कत कहां आती है कि जो बच्चे होते हैं जो फिलहाल कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं या घर पे तैयारी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जोर लगाते हैं ग्रामर के ऊपर, पूरा अपना कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा ग्रामर पे लगा देते हैं, और ये जो पार्ट है ना कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी, इसको पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और फिर वो पेपर देने जाते हैं, और जैसे ही वो एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो आप ये बताइए, आपने लगभग 60% कोर्स की तो तैयारी नहीं की, आप सिर्फ 40% पढ़ के जा रहे हो, तो फिर आपका पेपर कैसे क्रैक होगा? क्योंकि देखिए, पहले बात अलग थी, पहले सीमित बच्चे थे जिन तक कॉल लेटर आता था, तो उनमें से काफी परसेंट बच्चे जॉब लग जाते थे, लेकिन आजकल लगभग 50% से जो बच्चे ऊपर है सबका कॉल लेटर आता है, सबके एग्जाम होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, वैकेंसी बड़ी थोड़ी सी है, तो इसके लिए देखो पढ़ना पड़ेगा, फुल मेहनत करनी पड़ेगी तभी नंबर आएगा, ऐसे नंबर नहीं आएगा। ओवरऑल आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन, अगर आपने एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना तो एक क्वेश्चन आपको पता नहीं कितने हजारों बच्चों से नीचे ले जाएगा, यानी एक एक क्वेश्चन की बड़ी ही अहमियत है। तो अपना जो ध्यान रहेगा ओवरऑल सब पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन स्किल की, तो देखिए जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, आपको अंग्रेजी की समझ कितनी है भाई, आपको इंग्लिश कितनी आती है, जो
एग्जामिनर है वो अपने को जज करेगा कि भाई आपको इंग्लिश कितना पढ़ना आता है, कितनी आपको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या कोई भी आपको बुक मिले, आजकल जो कहानियों की बुक है छोटी छोटी, चाचा चौधरी है, चंपक है और मोटू पतलू, ये इंग्लिश में भी आती है, बड़ी इजी लैंग्वेज आती है। तो यदि आप थोड़ा 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 रीडिंग हैबिट डालें तो ये अपने आप इजी गोइंग आपका बड़ा आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको अनसीन पैसेज है वो भी कराऊंगा। अब देखिए बात करते हैं वोकैबुलरी की। ये बड़ा ही टिपिकल टॉपिक है, बड़ा हार्ड है, बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते, ना ही टीचर इस पे ध्यान देते हैं। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, रटते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसको रटोगे, आप रटोगे रटोगे रटोगे, ठीक है। और रटाफिकेशन में क्या है कि ये ज्यादातर याद नहीं रहता, ठीक है। ग्रामर की आप टेंशन मत लो, ग्रामर बड़ी इजी है, ग्रामर में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, मैं आपको पूरी क्लास करवाऊंगा, दिक्कत ही नहीं है कहीं, आपके कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब हम थोड़े थोड़े सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और बिल्कुल आराम से। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनको दो ही बात कहूंगा। एक तो देखिए पढ़ो ना तो पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश है बिल्कुल पीसफुल माइंड से पढ़ना है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके। यदि पढ़ने का मन नहीं करे ना तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने किताब खोल ली ना तो पूरा का पूरा ध्यान आप अपनी स्टडी पे लगा लो, ठीक है। एक और एक है ना, कभी भी सोचो मत, ठीक है। मैं तो एक बात पे विश्वास करता हूं कि सोचो मत, जो मन में है ना वो कर लो, ठीक है। सोचना नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, सोचो मत, जो दिमाग में है ना कर डालो, वो कुछ भी हो चाहिए, अगर आपसे होता है तो वो कर दो, सोचो मत, टाइम खराब मत करो, ठीक है। तो ओके लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। चलिए तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको रोज थोड़ा 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 थोड़ा, हम थोड़ा थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है वो भी हम थोड़ा थोड़ा याद करें। तो देखिए आज मैं आपको वोकैबुलरी में, ठीक है, वोकैबुलरी से स्टार्ट करता हूँ। रोज के अपन 5-10 वर्ड में आपको मजाक मजाक में पढ़ाऊंगा, और ये मेरा दावा है, ठीक है। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो ये मेरा दावा है कि आपको यही याद हो जाएंगे, आपको कहीं इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक बार वीडियो गौर से देख लोगे आपको यही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है वोकैबुलरी में एंटोनियम्स है और सिनोनिम्स है, ठीक है। ये इनसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये बड़ा हार्ड टॉपिक है, बच्चे इसको याद भी नहीं करते। एंटोनियम्स हैं विलोम शब्द और सिनोनिम्स हैं पर्यायवाची, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, और ये याद नहीं करते। आप देखिए आपको मैं पढ़ाता हूं, बड़ा इजी तरीके से पढ़ेंगे और मजा आएगा, ठीक है। तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ सिनोनिम्स याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूं। तो आइए देखो कुछ वर्ड है, अपना पहला वर्ड है जॉली, अपना पहला वर्ड क्या है जॉली। अपना दूसरा वर्ड है वोफल, वो फल, ठीक है। अपना तीसरा वर्ड है मेनेस, तीसरा वर्ड अपना मेनेस। देखिए ये जितने भी वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए वर्ड है, ठीक है। अपना अगला वर्ड है शन, अपना अगला वर्ड है शन। अगला वर्ड है अपना मेडिकेंट, अगला वर्ड क्या है अपना मेडिकेंट, ठीक है। तो ये अपने वर्ड हैं, ये 5 वर्ड मैंने लिखे हैं, और आप देखिए बड़ा ही अपन इनको याद करेंगे और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए पहला वर्ड है जॉली। देखिए पहले ये वर्ड याद कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से आपको इजी गोइंग याद करूं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, आप कैसे भी हंसी मजाक के वर्ड हैं आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहे, ठीक है। उसके लिए मैं कोई ट्रिक का सहारा लूं कैसे भी करूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये याद करूं, ठीक है। तो आप मेन मकसद है जैसा मैं बोलूं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए तो पहला वर्ड है अपना जॉली। तो देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए ये है जॉली, लेकिन हम इसको जॉली ना पढ़कर हम इसको पढ़ रहे हैं जूली, है जॉली, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं जूली याद करने के लिए। तो देखिए जूली एक गाना आया था, मिथुन चक्रवर्ती को आप जानते हो, है ना, और उनका एक गाना आया था, बहुत पुराना गाना है, उसमें हीरोइन मंदाकिनी है। तो मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी को खुश करने के लिए गाना गाता है, है ना, जूली जूली, है ना, जूली जूली तेरे पे दिल आया जूली, और हमको ये नहीं मांगता और हमको वो नहीं मांगता और क्या मांगता जूली जूली,
तो वो ये गाना है जुली जुली वाला, किसको देख के गाता है? मंदाकिनी को। और जैसे ही मंदाकिनी वो गाना सुनती है, मंदाकिनी बड़ी खुश हो जाती है। क्या हो जाती है? खुश। तो मंदाकिनी क्या हो जाती है? हैप्पी। तो जुली जुली गाना सुनकर मंदाकिनी क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। तो लो ये अपना वर्ड याद हो गया, जॉली। जॉली का अर्थ होता है खुश, जॉली का अर्थ क्या होता है? हैप्पी। बड़ा इजी, जुली अपन इसको वर्ड है जॉली, पढ़ा क्या अपन ने? जुली, अपन ने जुली पढ़ा। जुली जुली गाना मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी को खुश करने के लिए गाता है, पर इसका अर्थ होता है हैप्पी। क्यों है ना इजी? अगला देखिए, अगला वर्ड है हमारा वोफल। अगला वर्ड है हमारा वोफल। तो देखिए वोफल, तो कैसे याद करेंगे? ये देखिए वो तो देखिए एक गाना था इमरान हाशमी का, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, है ना? वो गाना था ना, वो भीगी भीगी रातें, वो गाना था ना। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो पुराने दिन है ना, पुराने दिन जिसको याद आ जाते हैं, हाँ हाँ वो अपने है ना दोस्त के साथ, वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो वो जो पुराने दिन है ना, जैसे आदमी वो यादों में खोता है ना, तो आदमी क्या हो जाता है? कुछ क्षण के लिए निराश हो जाता है, उदास, काश वो टाइम वापस आ जाए, है ना। तो वो पुरानी यादें आती हैं तो आदमी उदास हो जाता है, क्यों? अब अकेले है ना लॉकडाउन में, है ना, अकेले बैठे हैं तो बोर हो रहे हैं, तो पुराने दिन याद आते हैं ना साथ वाले, तो अपन क्या हो जाते हैं? उदास। तो देखिए वो लम्हे वो बातें वो पल अपन वो से याद कर रहे हैं, तो वो लम्हे याद आते हैं तो आदमी क्या हो जाता है? उदास। तो इसका अर्थ होता है सैड। इसका अर्थ क्या होता है? सैड। इसका अर्थ होता है सैड, यानी उदास, निराश। ठीक है, एक इसका अर्थ है ना अपन इसका याद किया, वो फल यानी सैड, बड़ा आदमी उदास हो जाता है। एक इसका अर्थ है मोरोज, ठीक है, मोरोज का अर्थ भी होता है सैड। क्या अर्थ होता है? मोरोज, सैड, मोरोज, ठीक है, उदास, ठीक है, ग्लूमी, ठीक है, आदमी निराश हो जाता है, ग्लूमी, ये सी की है सैड, मोरोज, ग्लूमी, ठीक है, उदास। अब देखियो एक बार देखना आप, अभी मैंने एक बात, तो साथ साथ अब एंटोनियम्स भी हो गया। अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ वोफल, तो क्या हो गया? जल। तो वोफल उदास, निराश, हैप्पी यानी खुश, ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए कितना आसान है, वो लम्हे वो बातें उससे अपन ने याद किया, जैसे वो याद आते तो आदमी क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। इसी तरीके से देखिए अगला वर्ड है मिनेस। अगला वर्ड क्या है? मिनेस। तो देखिए वर्ड तो है मिनेस, लेकिन देखिए इसमें अपन याद करने के लिए देखो अपन कैसे करेंगे। ये देखो M E N A, मीना, ये क्या दे रखा है इसमें? मीना, ठीक है। और देखो एक गाना था अभी आपने, बड़ा शादियों में बड़ा चलता है ये गाना, अमिताभ बच्चन है ना, दारू पी के नहीं आता क्या? और वो कहता है अमीना आ गया तेरा दीवाना, कहाँ है तू, बता बता बता, दे दे प्यार, दे प्यार दे, है ना। तो मीना मीना करके जैसे वो एक कॉलोनी के बाहर गाना गाता है ना कि आ गया तेरा दीवाना, तो जैसे ये गाना सुनते हैं ना तो कॉलोनी वाले है ना सारे के सारे डर जाते हैं, वो सोचते हैं अरे भैया ये दारू है ना, ये पेपर कौन आ गया भाई, है ना। तो वो एकदम से डर जाते हैं, सारे के सारे क्या कर देते हैं? डर जाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया डेंजर। क्या हो गया? डेंजर। और इसको बोलते हैं पैरिल, है ना, एक तो डेंजर, पैरिल। कैसे याद किया? मीना, वो गाना है अमिताभ बच्चन दारू पी के गाता है ना कॉलोनी में, मीना आ गया तेरा दीवाना, दे दे प्यार दे और प्यार दे। तो जैसे वो गाना सुनते हैं ना तो कॉलोनी वाले डर जाते हैं, अरे भैया ये कौन आ गया कॉलोनी में, ये कौन आ गया, डेंजर यानी खतरा, डेंजर। अब देखिए तीन वर्ड अपन ने पढ़े, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो पहला वर्ड क्या था? जॉली। कैसे याद किया? जुली, ठीक है, जुली से याद किया ना। और मिथुन चक्रवर्ती गाना गाता है जुली जुली, है ना, किसको खुश करने के लिए? मंदाकिनी को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉली? हैप्पी, ठीक है। अगला क्या याद किया? वो फल। कैसे याद किया? वो लम्हे वो बातें, जब वो याद आती है ना वो लम्हे वो बातें, तो लॉकडाउन है अकेले बैठे हैं और पुराने दिन याद आते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वो फल से क्या हो गया? सैड, मोरोज, ग्लोमी, है ना, ये इसके क्या है? पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं। अगला मिनेस। अगला वर्ड क्या है? मिनेस। कैसे याद किया? मीना, है ना, आ गया तेरा दीवाना, दे दे प्यार दे। और अमिताभ पेपर को देख के कॉलोनी वालों के मन में क्या पैदा हो जाता है? खतरा, ये कौन आ गया, हो गया क्लियर। अगला देखिए, अगला वर्ड है सन। अगला वर्ड क्या है? सन, ठीक है, वर्ड क्या है? सन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आया वो वर्ड है, ये नेवी में आया वो वर्ड है सन, एस एच यू एन, सन। तो देखिए अपन इसको सन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अपन इसको पढ़ रहे हैं एस एच यू एन, सुन। और देखो ये सारे मैं आपको गाने से पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ड गानों से पढ़ा रहा हूँ, देखिए सन, ठीक है, और अपन इसको कर रहे हैं सुन। एक गाना था ना बहुत पुरानी पिक्चर है राम तेरी गंगा मैली, उसमें एक गाना था सुन साईं का सुन, और प्यार की धुन,
और मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। तो कोई लड़का है वो किसी लड़की को देख के कह रहा है सुन साइबर सुन और प्यार की धुन और मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। और वो लड़की उसकी तरफ देख के कहती है कि तेरे जैसे बहुत आए सुन रखी है आगे पारो यहां से पारो पारो ठीक है। तो जैसे ही वो तो उसको इंप्रेस करने के लिए गाना गाता है और लड़की उसको क्या कर देती है अवॉइड कर देती है। क्या कर देती है अवॉइड अनदेखा कर देती है। क्या कर देती है अनदेखा। तो याद हो गया ना सुन साहिबा सुन प्यार की धुन और लड़की क्या कहती है आगे हो तेरा काम कर तेरे जैसे बहुत देखे पिछहत्तर आते हैं रोज किस किस की सुनूंगी। तो लड़की क्या कर देती है उसे अवॉइड कर देती है। तो सन सन का क्या हो गया अवॉइड यानी अनदेखा कर अवॉइड कर दे इग्नोर कर दे ठीक है। अगला वर्ड देखिए अगला वर्ड एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ये एयरफोर्स में आया हुआ वर्ड है मेंडिकेंट। वर्ड क्या है मेंडिकेंट। तो देखिए मेंडिकेंट को याद करने के लिए अपन देखो क्या करेंगे एम ई एन डी आई ठीक है ये अपन इसको याद करें मेहंदी ठीक है तो ये मेंडिकेंट लेकिन अपन इसको पढ़ के आ रहे हैं मेहंदी ठीक है मेहंदी पढ़ रहे हैं मेहंदी ठीक है। तो देखिए एक गाना था मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना और लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना गाना था ना एक। तो ये लड़के नहीं होते क्या नई नई शादी होती है तो बड़े हीरो बनते हैं है ना मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना बड़े लड़कियों को हवाबाजी में रहते हैं और जैसे इनकी शादी हो जाती है ना और जब वो खर्चे आते हैं वो जब दुल्हन है वो लिपस्टिक मांगती है और वो खर्चा मांगती है ना तब ये क्या करते हैं जेब में पैसे नहीं कंगले पढ़ते तो है नहीं है ना होते हैं अपने जैसे पढ़ते लिखते हैं नहीं काम धंधा करते नहीं नौकरी है नहीं शादी हो गई अब कमाई है नहीं। पहले तो बड़े बड़े गाने गाए थे मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना और ऐसे कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा और शादी के बाद बेटों से जब आने वाली है ना वो जो पैसे मांगती है तो फिर वो अपने यार दोस्तों में यार दे यार दे यार तू दे यार तू दे 100 रुपए दे यार 50 रुपए दे फिर वो क्या होते हैं भिखारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भिखारी बन जाते हैं। तो ये जो मेंडिकेंट है ना इसका अर्थ होता है बैगर। इसका अर्थ क्या होता है बैगर यानी भिखारी। आया बच्चा ये क्या होता है मेंडिकेंट का भिखारी। तो देखिए अपने 5 वर्ड याद किए ध्यान से देखना जाली जॉली जूली जूली से याद किया जूली जूली गाना मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी को क्या करने के लिए गाता है खुश करने के लिए गाता है। अभी लॉकडाउन है पुराने वाले दिन याद आते हैं ना वो लम्हे वो बातें जब याद आती है तो आदमी क्या हो जाता है उदास हो जाता है बड़ा सैड हो जाता है सैड ग्लूमी और मोरोस। अगला देखिए अगला वर्ड है मिनट। अगला वर्ड क्या है मिनट। तो मिनट जो वर्ड है इसको देखिए कैसे किया याद मीना मीना आ गया तेरा दीवाना और वो दारू पी के जब आता है ना अमिताभ बच्चन तो कॉलोनी वाले सारे बेचारे डर जाते हैं उनके मन में क्या पैदा हो जाता है खतरा डेंजर पैरिल ठीक है। और सन सुन से याद किया सुन साहिबा सुन और प्यार की धुन और मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन और लड़की क्या कहती है तेरा काम कर और लड़की उसे क्या कर देती है अवॉइड कर देती है। अगला देखिए अगला है वर्ड मेंडिकेंट है ना। तो देखिए कैसे याद किया अपन ने इसको मेंडिक को अपन ने पढ़ा मेहंदी है ना मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना है ना शुरू शुरू में तो करते हैं और बाद में 10-10 रुपए भी मांगते हैं। तो देखिए ये अपन ने आज 5 अपन ने वर्ड याद किए और सिनोनिम्स हैं आप लोगों को पता है कि हर पेपर में चाहे वो नेवी का हो चाहे वो एयरफोर्स का हो हर पेपर में आता है वो चाहे बैंक एसएससी हो उनमें भी एंटोनियम सिनोनिम्स आते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए मैं ऐसे मजाक में आपको बहुत सारे वर्ड याद करवा दूंगा। तो आज सिनोनिम्स अपन इतने ही याद करेंगे रोज की क्लास में अपन 5-5, 7-7 ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ठीक है। तो एक बार आज के लिए इतना ही। अब देखिए ये तो हो गए अपने कुछ सिनोनिम्स अपन क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास है तो अपन चाहते हैं इसमें टाइम कम अपना खराब हो फास्टली जितना भी आपको सिखा सके उतना अपन सिखाएं ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक तो था सिनोनिम्स। अब मैं एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोपोजिशन। आप सबको पता है 2 क्वेश्चन प्रोपोजिशन के आने हैं और ये फिक्स है आएंगे पक्का आएंगे ठीक है। कई बार 3 भी आ जाते हैं 2 तो पक्का आएंगे ठीक है। तो अगला जो है अपन तो मैं आपको कुछ फिक्स जो प्रोपोजिशन है फिक्स प्रोपोजिशन है ये अपन पढ़ेंगे ठीक है। रोज अपन थोड़ा थोड़ा देखो एक साथ अपन को नहीं करना थोड़ा थोड़ा रोज। इस क्लास का यही मकसद है कि अभी जो पेपर होगा एयरफोर्स में उसमें आपका एक फिनिशिंग हो जाए ठीक है। पेपर में जो आने वाला सिलेक्टेड जो टॉपिक है उस पर अपना एक फोकस आ जाए और अपन कोशिश करेंगे कि अपन वही पढ़े जो एग्जाम में आने लायक है ठीक है। तो फिक्स प्रपोजिशन है तो कुछ अपन याद करेंगे
एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो हर पेपर में लगभग मोस्टली 80% जो पेपर है उसके अंदर ये आता ही है। तो देखिए एक वर्ब है डाई, डाई का होता है मरना, ठीक है, और ये हो गया डाई, ठीक है। अब देखिए डाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, डिजीज से मरता है, कोई भी व्यक्ति बीमारी के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो अपने से प्रपोजिशन एग्जाम में फिल कराई जाएगी। तो हमेशा याद रख लेना कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण मरता है तो इसके साथ अपन प्रपोजिशन लगाएंगे ऑफ। कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? ऑफ। डाइड ऑफ डिजीज। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि सी डाइड और ये क्या आ गया, कैंसर। अब आपको नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे ऑप्शन ए दे दिया आपको ऑफ, ऑप्शन बी दे दिया फ्रॉम, ऑप्शन सी आपको दे दिया बाय, ऑप्शन डी आपको दे दिया है ना विद। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो बीमारी की वजह से हो रही है तो प्रपोजिशन कौन सी आएगी? ऑफ आएगी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑफ। तो अपने को याद रखना है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी के कारण होती है तो हमको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। क्लियर? इजी है। इसी तरीके से देखिए यदि कोई व्यक्ति हंगर, अगर कोई व्यक्ति भूख की वजह से मरता है तो भी क्या आएगा? ऑफ आएगा। डाइड ऑफ हंगर। तो देखिए डाइड ऑफ डिजीज, डाइड ऑफ हंगर। इजी है। अब देखिए इसी डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हमेशा लगभग सबसे ज्यादा ही आता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब देखिए ये है डाइट और यदि आगे आपको दे दिया लॉस ऑफ ब्लड यानी खून की कमी के कारण मरना, तो क्या होता है? हम मोस्टली समझ लेते हैं कि भाई ये बीमारी है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड बीमारी समझ लेते हैं, याद हमारा किया हुआ है ऑफ, तो हम यहां पर ऑफ करके आ जाएंगे जो गलत हो जाता है। तो याद रख लेना अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो खून की कमी के कारण हो रही है तो हमको क्या लगाना है? फ्रॉम आएगा, डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। इसी तरीके से एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वाउंड, वाउंड का अर्थ होता है घाव, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो घाव की वजह से हो रही है तो भी हम डाइड के साथ क्या लगाएंगे? फ्रॉम। Died from wound, died from loss of blood, died from wound, ठीक है, आ गया। इसी तरीके से ध्यान में रखना है आपको ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग, यदि कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु ज्यादा पीने से हो गई, ज्यादा शराब पीने से हो गई तो भी देखिए डाइट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो देखिए अपन ने पढ़ा डाइट ऑफ डिजीज, डाइट ऑफ हंगर, died from loss of blood, died from wound, died from over drinking। आई बात समझ में? तो देखिए ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपने ऐसे काफी बच्चे हैं जिन्होंने पीछे भी एग्जाम दिए होंगे तो उनको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो देखिए इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम बात करें डाइट की, डाइट की बात करते हैं। अब यहां पर देखना अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई है, ठीक है, एक्सीडेंट में हुई है, तो याद रखना अब की बार डाइड है वो इन लेगा, डाइड इन एक्सीडेंट। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, तो डाइड इन एक्सीडेंट। इसी तरीके से देखिए डाइड, ठीक है, और बैटल, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में हुई है, बैटल का अर्थ होता है युद्ध, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में हुई है तो भी इन लेगा। तो देखिए डाइड इन एक्सीडेंट, डाइड इन बैटल। ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए डाइड और नेशन, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है, देश के लिए अपने प्राण निछावर करता है, बलिदान होता है, तो उसके लिए आएगा फॉर, डाइड फॉर नेशन, देखिए डाइड फॉर नेशन, ठीक है। तो देखिए अभी अपन ने क्या देखा, डाइड अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हुई इन, अगर किसी युद्ध में मृत्यु हुई इन, यदि व्यक्ति है देश के लिए मरता है तो क्या आएगा? फॉर, डाइड फॉर नेशन। इसी तरीके से देखिए डाइड, अब कई भाई ऐसा वैसे हैं जो
खुद ही मर्डर करते हैं, सुसाइड, ठीक है, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। तो सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति खुद मरता है ना, तो डाइड बाई सुसाइड, उसने सुसाइड कर ली, तो ही डाइड बाई सुसाइड, ठीक है। तो देखिए दोबारा इसको अपन, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप सब स्क्रीन पे देखेंगे और अपने मन में बोल के देखिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो बीमारी के कारण होती है तो क्या आएगा, ऑफ, क्या आएगा, ऑफ। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो भूख की वजह से होती है तो क्या आएगा, ऑफ, डाइड ऑफ डिजीज, डाइड ऑफ हंगर। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो खून की कमी की वजह से होती है तो क्या आएगा, फ्रॉम, डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, हमेशा याद रखना, डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। इसी तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो घाव से होती है, ठीक है ना, महाराणा सांगा के वो कितने घाव थे, तो वो देखिए डाइड फ्रॉम वाउंड। और किसी व्यक्ति की मृत्यु ज्यादा पीने से हो गई तो भी क्या आएगा, फ्रॉम, डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो दुर्घटना में हुई है तो डाइड इन एक्सीडेंट। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बैटल में हुई है, डाइड इन बैटल। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु देश के लिए जो बलिदान देता है तो वो क्या आएगा, डाइड फॉर नेशन। और कोई व्यक्ति खुद ही आत्महत्या कर ली, डाइड बाई सुसाइड। एक और है इसमें, देखिए ये भी ध्यान रख लेना, डाइड, ठीक है, और ये भी आता है हार्ट अटैक। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, ठीक है, तो वहां भी फ्रॉम आएगा, डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। तो इससे मोस्टली कहीं ना कहीं आपके एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इससे आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस प्रपोजिशन वाले पार्ट में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।